आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ फेस स्पेस। फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेट अस कंसीडर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग मास एम एंड ऑसिलेटिंग फ्रीली विद फ्रीक्वेंसी म्यू। ओ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन द एनर्जी रेंज 0 to E। Suppose the phase diagram of harmonic oscillator have one position coordinate x and one momentum coordinate px. So it may be called as p comma x plane. कि जो simple harmonic oscillator है वो कौन से plane में lie कर रहा है? px. One dimensional हम consider single one dimensional harmonic oscillator हम लेकर चले हैं। If E is टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट सो इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जो एनर्जी वो जीरो से ई के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो किसी इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी ई। तो ई किसका सम होगी? काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv². इसको जो हम कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हो पी और एक्स की फॉर्म में, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारी इक्वेशन हो गया ई इज इक्वल टू 1/2 kx² प्लस p² / 2m। 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और पूरी इक्वेशन को हमने 2e से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? एलिप्स की इक्वेशन को। एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द एलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस। जो जनरल इक्वेशन है उसको जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन आई है सिंगल वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर उसके साथ कंपेयर किया, तो a की वैल्यू होगी 2e/k² और b की वैल्यू होगी 2me² इन एक्स वाई फेज डायग्राम। तो टोटल फेस स्पेस एरिया ऑफ द ऑसिलेटर यहाँ से आ जाएगा पाई ए बी ऑसिलेटिंग बिटवीन एनर्जी 0 to E। तो हो जाएगा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए इज इक्वल टू पाई ए बी फेस स्पेस एरिया। ए की वैल्यू पता है हमें, बी की वैल्यू पता, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया पाई ए बी में, और उसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2πe√m/k। फ्रीक्वेंसी वी ऑफ ऑसिलेटर वी नाउ इज इक्वल टू 1/2π√k/m। k है वो है फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन है यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 द एरिया ऑफ फेस स्पेस इज, तो यहाँ पाई एरिया ऑफ फेस स्पेस हो जाएगा 2πe। जो ये k/m है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 3 में 2πμ की वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ से 2πe इज π/2πμ हो गया। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आ गया E/μ। तो नंबर ऑफ फेस स्पेस, नंबर ऑफ फेस सेल्स होंगी एरिया ऑफ फेस स्पेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन फेस सेल्स। नंबर ऑफ फेस सेल्स रिप्रेजेंट कर दिए इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक φe से, तो φe एरिया ऑफ फेस स्पेस क्या है? E/μ। और एरिया ऑफ वन फेस सेल क्या लेके चले हम? H₀³। तो यहाँ से φe हो गया E/H₀µ।
वन डायमेंशनल है एरिया ऑफ फेस सेल हो जाएगा एच नॉट, क्योंकि वन डायमेंशनल लेके चल रहे हैं, तो जो अदर डायमेंशनल होंगी उसकी क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल होंगी, तो एरिया ऑफ फेस सेल क्या हो गया एच नॉट। एनर्जी विल बी ई इज इक्वल टू एच नॉट न्यू फाई ई, नंबर ऑफ फेस सेल्स कैन टेक एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, जो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो वन टू डैश डैश अप टू एन। तो यहाँ से एनर्जी हमारी क्या आ रही है, डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है। वन और टू के बीच में कोई स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो टू के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, थ्री। तो इट मीन जो हमारी एनर्जी वैल्यू है इन केस ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्या है, डिस्क्रीट है। फ्री पार्टिकल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फेस सेल्स इन ए गिवन एनर्जी रेंज फॉर थ्री डायमेंशनल फ्री पार्टिकल वी कंसिडर फेस स्पेस रिप्रेजेंटिंग सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम इन वॉल्यूम वी। थ्री डायमेंशनल का केस लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या है वॉल्यूम, टू डायमेंशनल में एरिया प्लेन में मूव करता, वन डायमेंशनल एक लाइन में मूव करता, तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम उसको वन डायमेंशनल का केस लेके चल रहे थे, और जो फ्री पार्टिकल है उसको कि वो मूव कर रहा है इन ए स्पेस, तो वी कंसीडर फेस स्पेस रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम एंड वॉल्यूम वी। तो जो माइक्रो स्टेट है ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पोजिशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज मोमेंटम कोऑर्डिनेट। पोजिशन कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड और मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गए पी एक्स पी वाई पी जेड। वॉल्यूम ऑफ वन सेल इन फेस स्पेस हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड इज इक्वल टू एच क्यूब एच नॉट क्यूब, या एच लिया तो एच क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस स्पेस हो जाएगा, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन का लेके हम उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे। डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी, क्योंकि उसका जो पार्टिकल उसका वॉल्यूम लेके चल रहे हैं हम वी लेके चल रहे हैं, कि जो पार्टिकल है मूविंग इन फेस स्पेस हैविंग वॉल्यूम वी। तो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड का हमने की वैल्यू निकालनी है कि ओवर इंटीग्रेशन क्या वैल्यू आएगी। एनर्जी रेंज इज कंसिडर जीरो टू ई, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल बी जीरो टू पी, पी उसकी मैक्सिमम मोमेंटम वैल्यू होगी और जीरो उसकी मिनिमम मोमेंटम वैल्यू होगी। एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ई है और मिनिमम वैल्यू जीरो है, कि जो एनर्जी वैल्यू है फ्री पार्टिकल की और किसके बीच में जीरो टू ई। तो मोमेंटम स्पेस क्या हो जाएगा, इज लाइक ए स्फीयर हैविंग वैल्यू जीरो टू पी, तो जो स्फीयर की मैक्सिमम रेडियस क्या होगी पी। वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस क्या हो जाएगा ओवरऑल के किसके को लाएगा, फोर बाई थ्री पाई पी का क्यूब पी मैक्स का क्यूब, और पी मैक्स ई इज द एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल इज ओनली काइनेटिक, सो वी कैन राइट ई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई टू एम। पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जो एनर्जी होगी उसकी वो क्या होगी टोटली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पी मैक्स क्या हो जाएगा टू एम ई, और तो यहाँ से जो पी मैक्स की वैल्यू है वो इस इक्वेशन नंबर तीन में रख दी, तो हमारी इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो टोटल मोमेंट वॉल्यूम ऑफ मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्पेस आया वो क्या हो गया फोर बाई थ्री पाई टू एम ई की पावर थ्री बाई टू। तो इक्वेशन ऑफ फेस स्पेस हो जाएगी, इस वैल्यू को हम जो इक्वेशन टू है उसमें रखेंगे, वहाँ से वी फेज आ गया वी इंटू फोर बाई थ्री पाई टू एम ई की पावर थ्री बाई टू।
नंबर ऑफ फेस स्पेस फेस सेल्स विल बी फाइव इसे रिप्रेजेंट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वन सेल, तो फेस स्पेस का वॉल्यूम कितना आया है, ये ऊपर दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दी, और वन सेल का होगा एच क्यूब, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फेस सेल्स आ गई। इन केस ऑफ ए फरी पार्टिकल मूविंग इन फेस स्पेस ऑफ वॉल्यूम वी,